100% कॉटन है, नहीं है। अच्छा। इसमें आपको चर्म रोग होने की कोई बीमारी नहीं है, हो ही नहीं सकता। कॉटन इसमें पुश होता है, आप बिस्तर पर बिछाएंगे जिसमें आप सोएंगे तो पुश होता है, हल्का हल्का ट्विस्ट है ये बना हुआ, ऊपर भी बनता है और ऑटो लूम पर भी बनता है। इसका जो साइज जो है वो आप साइज देख सकते हैं, इसका साइज जो है आपका 58 इंच है। ये मार्केट में काफी दिखता है, मार्केट में बहुत दिखता है। दूसरी बात है कि जो फेस्टिवल होता है आदिवासी लोगों की जो, और क्रिश्चियन लोगों का जो फेस्टिवल आता है उसमें इसका डिमांड बहुत होता है। इतना मेहनत कर, मेहनत कुछ फल तो मिलनी चाहिए ना, एकदम अनिवार्य है, होगा ही। मैं उनके फादर से भी हाथ मिलाया हूँ, उनके दादी माँ से भी हाथ मिलाया हुआ है ना। यहाँ आए हैं क्या? हाँ, यहाँ पे आराची में मुरादाबाद में आए थे, पटना में उनके वाली साहब से हाथ मिलाए थे ना। अब बड़ा उनके बेटे से मिल रहे हैं जी, अब उनके उनके साहबजादे जो है राहुल बाबू, उनसे मैं हाथ मिलाऊंगा। क्या नाम है? जोहार, मैं जाबाज। आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज खजाना। भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड पहुंच चुकी है। अभी झारखंड के रांची में इरबा में है जहां पहुंचे हुए इंदिरा गांधी, हैंडलूम प्रोसेस यहां पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी भी यहां रुके हैं, शायद बुनकरों से भी बात करेंगे। तो चलिए, यहाँ एक है सर जी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये पूरा कैसे कपड़ा की बुनाई होती है, किस तरह की पूरी प्रक्रिया है, जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। क्या कुछ कहेंगे आज राहुल गांधी जी आप लोग के अपार्टमेंट में पहुंचे हुए हैं? तो बहुत हर्ष का बात है, बहुत खुशी की बात है, खास तौर से हम लोग बुनकर समाज के लिए, कि आज बुनकर समाज के जो हैं को देखते हुए जो मसले हैं उनको अवगत कराने के लिए हमारे दरवाजे पर वो आए हैं, और हमने उनको, हमारे बुनकर भाइयों ने उनको जो है अपना अपना जो परेशानी है उनको बताया भी है, और बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन उनका विजिट जो हुआ बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ इंटरेक्ट कर पाएगा आने वाले लोकसभा चुनाव होने वाले हैं? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, इसमें तो पहले आप जो है पहले से कुछ तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का भारत न्याय यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोगों का जो उल्लास है, तो उस हिसाब से देखते हैं कि हो सकता है कि हम लोगों को कामयाबी मिलेगा। आप कुछ कहेंगे जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है उसके पॉलिसीज से कुछ बेनिफिट आप लोगों को मिल पाया है कि? बेनिफिट तो मिलता ही है, अब तो पूरे हिंदुस्तान में GST लागू है, तो उसमें हम हैं तो कोई हरज भी नहीं है उसके लिए, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। काहे कि जैसे सब लोगों के लिए वैसे हमारे बुनकर परिवार के लिए भी है, शुरुआती में थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ, लेकिन अब सब स्ट्रीमलाइन हो गया है, जिसके चलते जो है कोई वैसा दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा दिखा सकते हैं कैसे आप लोगों का काम होता है, या कुछ थोड़ा बता सकते हैं इनके बारे में थोड़ा? तो मेरा दो तरह का काम होता है जी, विभिन्न का काम दो तरह का होता है। एक तो वे काम होता है जो हैंडलूम पर होता है, जो प्योर हैंडलूम होता है, वो हाथ से ही घुमा, जो हाथ से ही हम लोग करते हैं। और यहाँ जो है ये हैंडलूम है, चूंकि आज जो हिंदुस्तान के अंदर में और जो डिमांड है लोगों का, प्लस है कि हैंडलूम पर बहुत लोग जो है जुटते नहीं हैं, जो पुराने लोग हैं सब लोग जो है वही लोग जुड़ते हैं, नए लोग को जुड़ते नहीं हैं। दूसरी बात है कि हैंडलूम में मेहनत भी लगता है बहुत ज़्यादा, हैंडलूम में बुनाई में मेहनत भी लगता है, और जैसा मेहनत के मुताबिक हम लोगों को जो है ये उसका मुआवजा नहीं मिल पाता है, बनिस्बत के आपके मिल के हिसाब से, मिल के अंदर में जो मिल का कपड़ा जो हम लोग तैयार होता है और वहाँ के जो मशीन्स होते हैं उस पर जो है कपड़ा वो तेज़ी से बनता है। अगर हम एक हैंडलूम पर दिन भर में अगर हम 4 पीस बनाते हैं, तो वही पावर लूम पर या ऑटो लूम पर वही कपड़ा हम 18 से 20 पीस तक बना सकते हैं। अच्छा, जो जो आप लोग बनाते हैं कपड़े, वो कहाँ सेल करते हैं आप लोग? कैसे ये हम लोग होलसेल भी करते हैं, हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। अच्छा, क्या नाम से है ये आपका? छोटा नागपुर handloom.com के। अच्छा, उस पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। दूसरा है कि हम लोग जो है अपने प्रोडक्ट को इंडिया हैंडमेड पर भी अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से भी जो है सेल होता है। तीसरा चीज है कि हमारा जो अपना मोबाइल बहन है, अच्छा, चलंत बिक्री केंद्र जिसको कहते हैं, वो बिक्री केंद्र से आपको हमारे जो झारखंड के अंदर में जो सुदूर गांव है, डिस्ट्रिक्ट है,
वहाँ जा जा करके जो है हम लोग समझ लीजिए कि अपने प्रोडक्ट को घर तक पहुँचाने का काम करते हैं अपने मोबाइल वैन के द्वारा। एक उसका ये सेल का तरीका है, और प्लस जो है हम लोगों का अपना सेल सेंटर जो है वो रांची में भी है, बोकारो में भी है, कलकत्ता के अंदर में भी है, और फिर जो है हमारे आसपास में जो आसपास के जिले में भी है, जो छोटा नागपुर हैंडलूम के नाम से। एक सवाल जानना चाहेंगे, क्या अभी अगर राहुल गांधी जी आप लोगों से मिले तो क्या समस्या है जिन्हें बदलाव करे ताकि आपका भी बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे? देखिए हम लोग सरकार से भी और चाहे जो भी आने वाली सरकार है उससे तो हम लोग उनका लोग तो यही डिमांड करेंगे कि हम लोगों का रोजगार बढ़े। अब चाहे जो भी सरकार हमको रोजगार देगा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये भी जो बन रहा है, जो गमछा आप दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है? ये हमारा ट्रेडिशनल गमछा है, ये झारखंड का है। अच्छा झारखंड का, झारखंड का ट्रेडिशनल गमछा है। ये हमारा हैंडलूम पर भी बनता है और ऑटो लूम पर भी बनता है। इसका जो साइज जो है वो आप साइज देख सकते हैं, इसका साइज जो है आपका 58 इंच है। ये मार्केट में काफी दिखता है, मार्केट में बहुत दिखता है। दूसरी बात है कि जो फेस्टिवल होता है आदिवासी लोगों की जो, और क्रिश्चियन लोगों का जो फेस्टिवल आता है उसमें इसका डिमांड बहुत होता है। कितना रेट होता है इसका, कितने में बेचते हैं? ये हमारा रेट जो है अभी इसका रेट जो बाजार के अंदर में है इसका 335 रुपया प्लस 5% GST। अच्छा GST 5%। तो यही मशीन से आप लोग का बना? यही मशीन सामने है, देखिए इसी पे चढ़ा हुआ भी है ये मशीन। जी भी देख सकते हैं जैसे चढ़ा हुआ है। क्या प्रोसेस होता है सर इसमें? प्रोसेस क्या आपको चला के दिखाया जाए? थोड़ा दिखा देते तो ज्यादा बेहतर हो जाता। थोड़ा चला के आपको दिखाते हैं, हमारे एक बुनकर ये है जी, ये आपको चला के दिखाएंगे। तिरंगा झंडा भी बना रहे हैं? हाँ ये तिरंगा झंडा हमने राहुल गांधी जी आ रहे थे, रुको, हमने राहुल गांधी जी आ रहे थे तो उसी के लिए उनको दिखाने के लिए। अच्छा। हमने तिरंगा का भी जो है लगाया है ताकि वो जाने कि हम लोग तिरंगा को भी बना सकते हैं। थोड़ा चला के दिखाइए सर कैसे चलता है। ये देखते हैं ये ऑटोमेटिक हैंडलूम में बुनाई होती है, और ये गमछा जो दिख रहा है वो फेस्टिवल में और भी काफी दिखते भी हैं। ऑटोमेटिक लगा दिए गए थे और इसी तरह पूरी प्रक्रिया होती है और ये हमें गमछे के रूप में मिल जाता है। तो अब देख सकते हैं हम लोग चलते हैं आगे और आगे भी जानकारी देते रहेंगे इस तरह की। और अभी जो बुनकर समाज के जो मुद्दे हैं वो भी अगर राहुल गांधी जी से मिल पाए तो अपने मुद्दे को रखेंगे। चलिए और आगे भी दिखाते हैं किस तरह की मशीनें यहाँ हैं। ये कौन सी मशीन है सर? ये बॉबिन मशीन है। अच्छा बॉबिन मशीन जी, इसके अंदर में ये यार्न से आपको ये बॉबिन बनाया जाता है जी। और ये आपको प्री स्टेज लूम है, प्री स्टेज लूम जी, कपड़ा बनाने से पहले ये शुरुआती काम ये है। उसके बाद इसका बॉबिन बनने के बाद उसे बीम बनाया जाता है और बीम से जो है आपका कपड़ा तैयार होता है। कब शुरुआत हुई थी इसकी? बहुत पहले हम लोग नाम सुने थे। ये देखिए यहाँ तो खासतौर से झारखंड के अंदर में ये तो बाबा आदम का पीरियड का है, पूरे हिंदुस्तान पारंपरिक बिजनेस ये तो, हाँ ये तो शुरू से चल रहा है ये बुनाई का बिजनेस। लेकिन खासतौर से जो है हमारे यहाँ जो इरवा ग्राम में इसका 1978 में इसका जो हम लोग तो काम तो पहले 1947 से हो रहा था लेकिन विधिवत तरीके से हम लोग 1978 से संगठित होकर काम कर रहे। अच्छा एक सवाल है आप, चलिए तो आप देखते रहिए तब तक द न्यूज खजाना। ये नारी कर रहे हैं इसको बोबिन प्रंट। ये भी क्या कर रहे हैं आपको? ये वाला ये है धागा, इसको बोबिन प्रंट करेंगे, उसके बाद हाँ ताने में ड्राम जो है वहाँ धागा है उसमें कपड़ा भी लेंगे। तो नहीं मिलने नहीं आए हैं, खुश बैठल है अभी तक इंतजार में कि आएंगे भैया के क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि हम लोग का रोजगार अच्छा नहीं है तो थोड़ा बहुत पैसा कौड़ी बढ़ा के दीजिएगा, घर चलाएंगे, खर्चा चलाएंगे, बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना है,
दुख मुसीबत में दवा भी रो करना होगा, गरीब आदमी है, इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे तो कुछ सवाल उठाएंगे। भूल आ रहे हैं, ये धागा बना रहे हैं। हाँ हाँ, बोबिन में धागा भर रहे हैं अभी। आप लोग बोलते हैं इसको बोबिन, हम लोग बोलते हैं नरी। हाँ, आप लोगों का जो कपड़ा बनाते हैं कहाँ कहाँ बिकता है? हम लोग का मार्केट सही है उसका? चारों तरफ फैलता है, चारों तरफ बिकता है। मेहनत के मेहनत तो कुछ फल तो मिलनी चाहिए ना, एकदम अनिवार्य होगा ही। मैं उनके फादर से भी हाथ मिलाया हूँ। अच्छा, उनके दादी माँ से भी हाथ मिलाया हुआ है ना। यहाँ आए हैं क्या? हाँ, यहाँ पे अराची में, मुरादाबाद में आए थे, पटना में उनके वाली साहब से हाथ मिलाए थे। अच्छा, उनके बेटे से मिल रहे हैं जी। अब उनके साहबजादे जो है राहुल बाबू, उनसे मैं हाथ मिलाऊंगा। क्या नाम है? आप देखे होंगे अंदर में भी करघा वगैरह सारा चीज, और सब यहाँ से जब मेरा स्टॉक जो होता ना है, उस सात को भेन देखिए, मेरा मोबाइल भेन है। अच्छा। सारो जाता है पूरे शहर में, पूरा इलाके में, सिमडेगा, रांची, उड़ीसा, सारा जमशेदपुर, पलामू है ना, हर जगह जाता है। अच्छा, क्या उम्मीद है आज मिल पाएंगे राहुल गांधी? तो मिलेंगे तो क्या कुछ कहेंगे? हाँ, कुछ तो कहेंगे, कुछ डिमांड तो रखेंगे। अभी खुद आपको प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उसके बाद मैं आपसे कुछ करूंगा, है ना। क्या लग रहा है जिस तरह वो लगातार न्याय, पहले भारत जोड़ो यात्रा की, अब न्याय यात्रा कर रहे हैं, कुछ बदलाव हो पाएगा? एकदम इंशाल्लाह एकदम बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा। इतना मेहनत कर, मेहनत तो कुछ फल तो मिलनी चाहिए ना, एकदम अनिवार्य होगा ही। मैं उनके फादर से भी हाथ मिलाया हूँ। अच्छा, उनके दादी माँ से भी हाथ मिलाया हुआ है ना। यहाँ आए हैं क्या? हाँ, यहाँ पे अराची में, मुरादाबाद में आए थे, पटना में उनके वाली साहब से हाथ मिलाए थे। अच्छा, ना, उनके बेटे से मिल रहे हैं जी। अब उनके साहबजादे जो है राहुल बाबू, उनसे मैं हाथ मिलाऊंगा। क्या नाम है? मेरा बशीर अहमद अंसारी। यही घर हुआ इरबही में। अब बहुत जमाने से मैं इसमें जुटा हुआ। हमारे हाजी अब्दुल रजाक अंसारी साहब, पूर्व मंत्री जी, हाँ, उन्होंने मुझे रखा था। मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, है ना। हाँ, मैं यहाँ पर सारा काम मैं करता हूँ। यहाँ पे विभिन्न टटराई, विभिन्न का प्रिंटिंग का और डाई का सारा चीज अब मेरा डाई किया हुआ है, डाई है ना। अच्छा, सब मेरा डाई जी। हाँ जी हाँ, अभी करघा देखिए आप अंदर में, चलिए दिखा दीजिए। चलिए आइए, चलिए। अच्छा अच्छा, बन रहा है अभी, वो लंच कर रही है ना। अच्छा, वो डबल बेड का बेड शीट है वो, इसमें पीलो कवर के साथ है। अच्छा, बेड शीट है ना, कवर के ये। अच्छा, कितना प्राइस होता होगा? 100 रुपीज, ये 1000 रुपीज। 1000 रुपीज में 20% लेस है नहीं, लेकिन एडजस्टिंग अच्छा होता है। 100% कॉटन है, नहीं है? अच्छा, इसमें आपको चर्म रोग होने की कोई बीमारी नहीं है, हो ही नहीं सकता। कॉटन इसमें पुश होता है, आप बिस्तर पर बिछाएंगे जिसमें आप सोएंगे तो पुश होता है, हल्का हल्का ट्विस्ट है ये बना हुआ, वो पुश होते रहता है, वो आप करवट बदलेंगे ये होते रहता है। ये देखिए, ये तावेल है, ये इसको जकार करते हैं ना, जकार्ड है, 108 हुक का है ये डिजाइन बनने के लिए। अच्छा अच्छा, ये गमछा तो हम लोग खरीदते हैं मार्केट। हाँ हाँ, मार्केट बन के जाता है मार्केट। नहीं नहीं, इसकी बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ये कॉटन है 100% है ना। अच्छा, खादी कॉटन है ये, जो हाथ से धागा। गमछा का कितना प्राइस है ये? इसका 250 रुपीज। ये तो मैं खरीद के है ना, ये बॉर्डर बनेगा है ना। अच्छा, ये बॉर्डर बन रहा है, ये कलर देख रहे हैं आप? हाँ। ये कलर ये बॉर्डर मेरा कलर अलग होना चाहिए, इसी लगा दिएगा जकार्ड इसमें। अच्छा, ये भी आपको 200 हुक का है ये, है ना, ये भी बनता है, एकदम बहुत महंगी। अच्छा, यहाँ से कितने लोगों का रोजगार चलता है? बहुत से लोगों का रोजगार, पूरे देहात में आपको समिति बनी हुई है, करीब 35 को समिति है, और उसमें एक समिति में कम से कम 100 मेंबर्स है, विभिन्न विवर्स लोग, और सारे लोग काम करते हैं। यहाँ तो ट्रेनिंग भी किया जाता है ना, यहाँ पर सब ट्रेनिंग किया जाता है। अभी देखिए एक और बन रहा है वहाँ पर, तिरंगा झंडा। अच्छा, वो हम लोग स्टिच किया हुआ नहीं, जब यू ही एकदम पूरा बना हुआ, ये देखिए ये है ना। अच्छा हाँ, तिरंगा झंडा बन रहा है, प्योर कॉटन है ये, प्योर कॉटन 100% स्टिच किया हुआ नहीं है ना। ये विभिन्न ही में हम लोग ले आया, ग्रीन भी ले आया, व्हाइट भी ले आया, और केसरी रंग भी ले आया है ना, इसमें बन गया पूरा। अब इसके बाद फिर प्रिंट में करता हूँ, और प्रिंट करने के बाद फिर इसको बहुत से लोग, हाँ, सब चक लगा देता हूँ, है मशीन उसका भी मशीन। लोग जो सीखना चाहते हैं उनका ट्रेनिंग भी होता है। कब से सीख रहे हैं आंटी आप? हम लोग 2 साल हो गए। 2 साल से आज लग रहा है राहुल गांधी जी आप लोग से मिलने आएंगे, तैयारी है? हम लोग तैयारी में बैठा है, कब आएगा, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार में बैठे, कभी देखे थे पहले इसे? नहीं देखे थे, ऐसे देखे थे टीवी उबी में, सामने से नहीं देखे थे। तो देख सकते हैं सभी वर्कर लोग जो यहाँ काम करते हैं वो यहाँ आए हुए हैं और वेट कर रहे हैं राहुल गांधी जी का, अपने आंखों से दीदार करना चाह रहे हैं। अब ये साड़ी भी बनता है यहाँ, और तरह तरह के कपड़े